चेन्नई सुपर किंग्स के नेट बॉलर फैजल अक फरेकी ने फिर से एक बार मचा दिया दहशत। प्रैक्टिस मैच में बहुत सारे बैट्समैन को किया है परेशान। तो हेलो दोस्तों, कैसे हो सब लोग। मैं हूं शुभंकर और मैं मेरे चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं, जिसका नाम है स्पोर्ट एलिक बैचलर। जैसे कि आपको सबको मालूम है, मैं यहाँ पे क्रिकेट की बातें करते रहता हूँ, यहाँ पे डेली वीडियो आपके सामने लाने की कोशिश करते रहता हूँ, जिसमें क्रिकेटर्स का इंटरव्यू होता है, उसके साथ ही साथ क्रिकेट के प्री मैच पोस्ट मैच एनालिसिस यहाँ पे मैं करते रहता हूँ, और उसके साथ ही साथ क्रिकेट के लेटेस्ट अपडेट न्यूज जो भी है वो मैं यहाँ पे देने की कोशिश करते रहता हूँ डेली। जो कि आप मेरा फ्रेंड है तो प्लीज इधर सब्सक्राइब करना ना भूले, इससे थोड़ी सी मुझे मोटिवेशन मिलती है डेली वीडियो आपके सामने लाता रहा हूँ इसके लिए। चलिए दोस्तों, आज का टॉपिक बिना टाइम से शुरू करते हैं और देखते हैं कि क्या एग्जैक्टली हुआ है प्रैक्टिस मैच जो खेली गई थी चेन्नई सुपर किंग्स के बीच में। तो वहां पे एग्जैक्टली क्या किया है ऐसा फैजल अक फरेकी ने, जो अफगानी प्लेयर है और अभी नेट बॉलर है सीएसके के लिए। तो जैसे कि आपको सबको मालूम है कि बहुत सारे प्लेयर्स को कोरोना हो रहा है, और खासकर अगर ऑस्ट्रेलियन पेसर्स की अगर बात की जाए तो वो काफी डरे हुए हैं कोरोना से, और इसके चलते बहुत सारे प्लेयर्स बैकआउट हो रहे हैं। और इसका मेन रीजन ये भी था कि मतलब कोरोना के बढ़ते केसेस महाराष्ट्र के अंदर, तो बहुत सारे फैल चुके हैं कोरोना के केसेस महाराष्ट्र और विद इन इंडिया। तो इसके चलते हुए जोश हेजलवुड ने भी बैकआउट किया था, बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जिसने बैकआउट किया था, और मैंने वो पिछले वीडियो में बता चुका हूँ मैं कि कौन से प्लेयर्स ने बैकआउट किया था, जिसमें एक नाम जोश हेजलवुड भी था दोस्तों। तो इसके चलते हुए बहुत सारा एक नाम सामने आया था, बहुत बार ये नाम सामने आया, और मतलब बहुत ही उन्होंने इम्प्रेस किया है सारे प्लेयर्स को, खासकर धोनी को भी इम्प्रेस किया होगा जरूर, क्योंकि जैसे मैंने बताया था दोस्तों, ये अफगान प्लेयर है फैजल अक फरेकी, और पहले भी मतलब जब नेट बॉलर है तो नेट बॉलर वो बॉलिंग कर रहे थे बैट्समैन को, तो बहुत परेशान किया था। उसका वीडियो भी मैंने डाल के रखा है, तो मेरे ब्लॉग पे है वो, तो पहला वाला वीडियो है जिसमें वो नेट बॉलिंग नेट प्रैक्टिस कर रहे हैं बैट्समैन के साथ, तो वहां पे भी परेशान किया था, तो वो वीडियो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा इसी के साथ भी। पर अगर लेटेस्ट की बात की जाए तो जब प्रैक्टिस मैच हुई थी तो उनको मौका दिया गया था, तो वहां पे भी बहुत ही प्रभावित किया है सारे प्लेयर्स को उन्होंने, खासकर बैट्समैन को बहुत ही प्रभावित किया है। जिस तरह से उन्होंने पेस के साथ बॉलिंग की है, तो बैट्समैन को पता ही नहीं लग रहा है कि बॉल कब पीछे जा रहा है विकेट कीपर के पास। उसके साथ ही साथ लाइन एंड लेंथ भी बहुत ही बेहतरीन डाल रहे, और इसके चलते हुए काफी परेशानी में है दिखे है सीएसके के बल्लेबाज। तो इसका अगर वीडियो चाहिए तो मैं फिर से एक बार ब्लॉग में डालूंगा, क्योंकि कुछ लिमिटेशंस होते हैं, आपको सबको मालूम ही होगा कि सारे कंटेंट यहाँ पे मैं नहीं डाल सकता, तो मैं मेरे ब्लॉग पे ये सारा कंटेंट मैं डाल रहा हूँ। और ये जो वीडियो है इसका, जो प्रैक्टिस मैच में जिस तरह से उन्होंने परेशान किया है, अगर आप वो देखना चाहते हो तो वो उसकी लिंक जो है ब्लॉग की वो मैं मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो वो जाके आप देख सकते हो। तो देखते हैं कि क्या मतलब करेंगे सीएसके इस प्लेयर का। अभी इस साल थोड़ा सा उनको लेना मुश्किल जरूर है, बट देखते हैं कि क्या होता है आगे, जरूर ये इस प्लेयर को कंसिडर कर सकती है सीएसके, फैजल अक फरेकी अफगानी प्लेयर जो है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। तो अगर मेरे आपको ये वीडियो पसंद आए और मेरे चैनल पसंद आए, और अगर आप चाहते हो कि आपको ये ऐसे अपडेट मिले रोज, तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले, इससे थोड़ी सी मुझे मोटिवेशन मिलती है डेली वीडियो आपके सामने लाता रहूं इसके लिए। एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकॉन ऑल्सो, तो उससे भी आपको नोटिफिकेशन मिलेगी जब मैं ऐसे वीडियो आपके सामने लाता रहूं तब। और तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में एक और वीडियो के साथ। बाय बाय।